अनकही कहानी है एक सूरज के उजियारे की, जो गर्दिश में भी रोशन हो उस एक अचल सितारे की, जो हर एक दिल में पलते थे वो दबे दबे अरमां कहीं, उनकी मुरझाई सूरत को इन हाथों ने दी जान। नमस्कार दोस्तों, अनकही अनफिल्टर्ड चेंजेस पॉसिबल की सीरीज़ में आज हम ईवी पॉलिसी पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली डायलॉग कमीशन यानी दिल्ली सरकार के थिंक टैंक के वाइस चेयर जैस्मिन शाह। आज हम उनसे बात करने वाले हैं ईवी पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि ईवी पॉलिसी डिज़ाइन करने के समय दिल्ली डायलॉग कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी डीडीसी ने एक वाइटल रोल निभाया है। तो आइए आज उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि ईवी पॉलिसी क्यों दिल्ली का भविष्य बदलने जा रही है, ट्रांसपोर्ट का भविष्य बदलने जा रही है, और क्या दिल्ली सरकार ने जो अभी तक कदम उठाए हैं इस दिशा में वो काफ़ी हैं, कितनी इनोवेटिव है ये स्कीम, आम आदमी इससे कितना अच्छे से कनेक्ट कर पाया है, और आने वाले समय में इसमें क्या नए इनोवेशन आने वाले हैं। तो मिलते हैं जैस्मिन शाह से। जैस्मिन, आपने बहुत वेट लूज़ किया है। लास्ट टाइम जब हम अनकही अनफिल्टर्ड की फर्स्ट सीरीज़ में आपसे मिले थे तो जितना वेट था आपका, ऐसा लगता है कि कम से कम 8 से 10 किलो आपने वेट लूज़ किया। नहीं, फिट रहना चाहिए किया तो, हाँ, बट सबको फिट रहना चाहिए मैं तो कहूँगा। बिल्कुल। तो चेंजेस पॉसिबल सीरीज़ के पीछे भी जैस्मिन इंस्पिरेशन है। हमारे एक डिस्कशन के दरमियान ये निकल के आया कि हमें अनकही अनफिल्टर चेंजेस पॉसिबल को शुरू करना है, और आज हम ईवी पॉलिसी पे बात करने वाले हैं। पहले तो बताएं हम कहाँ हैं और इतनी बसेस यहाँ क्यों खड़ी हैं। आज हम दिल्ली सरकार के राजघाट डिपो पर हैं। ये डीटीसी का बस डिपो है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बस डिपोज हैं, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ द न्यूएस्ट बसेस आपको यहाँ पे दिखने को मिल रही है। आज ये पूरी तरह से 100% इलेक्ट्रिक बस का डिपो बन गया है। आपको जो दिख रही है ये नई इलेक्ट्रिक बसेस जो दिल्ली सरकार में लगातार हर महीने आती जा रही है, और दिल्ली सरकार का जो एक विज़न है कि हम दिल्ली को देश का बल्कि दुनिया का एक ईवी कैपिटल बनाएं, तो उस विज़न के तहत हमने ये कमिट किया है कि जितनी भी बसें अभी दिल्ली में आएगी वो केवल इलेक्ट्रिक 100% प्रदूषण रहित बसेस रहेंगी, और यही आपको आज ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या दिल्ली पहला राज्य है जिसने ईवी पॉलिसी बनाई है? देखिए, हमने अगस्त 2020 करीब एग्जैक्टली 2 साल पहले ईवी पॉलिसी लाई थी। हम एक्चुअली दूसरे राष्ट्र थे, स्टेट थे इसमें, पहला कर्नाटक था। तो दिल्ली जब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई तो हमारा पूरी तरह से डिमांड साइड फोकस था। हम पहले ये चाहते थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से केवल सरकार के खजाने ना भरे, हम चाहते थे कि सबसे पहले लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें और दिल्ली का प्रदूषण कम हो। तो इसी को नज़र रखते हुए हमने जो पॉलिसी लाई थी, मेरे ख्याल से एक यूनिक पॉलिसी थी। आज भी देश में इसकी चर्चा होती है, और पिछले 2 साल में अगर मैं बात करूं तो कम से कम 12 से 14 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीखे हैं, हमने भी शेयर किए हैं।
तो एक बड़े गर्व की बात है कि एक नई सोच, एक नई दिशा दिल्ली ने देश को दी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से आप ये इंश्योर कर सकते हो कि हज़ारों लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद सकें। ठीक है, तो यदि हमें ब्रीफली समझना हो एक आम नागरिक की तरह से भी और एक पॉलिसी एंथुजियास्ट की तरह भी, तो आप कैसे समझा पाएंगे कि क्या है ईवी पॉलिसी, कैसे बदलाव लाएगा, कितना ईंधन बचेगा, क्या ये अभी जो दूसरे अल्टरनेट जिनके ऊपर बात हो रही है जैसे एथेनॉल है या हाइड्रोजन, गडकरी साहब की कुछ स्पीचेस में मैंने सुना कि उन्होंने हाइड्रोजन के बारे में जिक्र किया, एथेनॉल से गाड़ी चलाने की बात किया, फार्मर्स को उसमें एंगेज करने की बात किया, क्यों हम ईवी को चूज़ किए हैं और क्यों हमने दूसरे ऑप्शंस के ऊपर अभी एक्सप्लोरेशन शुरू नहीं किया? देखिए, सबसे पहले जो दिल्ली सरकार का गोल था और मैं समझता हूँ कि आम लोगों का भी सबसे नंबर वन टारगेट होना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों ख़रीदना चाहिए, वो है हमें प्रदूषण की लड़ाई में हमें सबको साथ देना है। तो दिल्ली में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा सोचना रहा है कि दिल्ली को अगर दुनिया का अव्वल शहर बनाना है तो प्रदूषण की समस्या को हमें हल करना होगा। और अगर आप इस समस्या को फर्दर ब्रेकअप करें तो करीबन एक तिहाई इसका जो हिस्सा है वो व्हीकल से आता है, व्हीकुलर पोल्यूशन जो हम कहते हैं। तो इसमें तमाम प्रयोग हो रहे हैं, जैसे आपने कहा इथेनॉल से थोड़ा कम प्रदूषण और कम होता है, हाइड्रोजन मैं कहूँगा बहुत ही अर्ली स्टेज पे है, अब तक जिसकी टेस्टिंग हुई है बहुत बड़े व्हीकल्स के ऊपर हुई है, उसके इंजन वगैरह की रिक्वायरमेंट अलग होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जब हमने ये पूरा स्टडी किया तो ये पता चला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक मैच्योर टेक्नोलॉजी हो चुकी है लेकिन किसी कारणवश अपने देश में चल नहीं पाई है। लेकिन दुनिया भर में आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे चाइना 100, अगर दुनिया भर में आज की तारीख में अगर 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकते हैं तो आप अनुमान लगाइए कि कितने चाइना में बिकते हैं। कितना? 95। क्या बात है। और चाइना के कुछ शहर हैं जैसे शेंजन जहाँ पर 16,000 बसेस, पूरी इलेक्ट्रिक बसेस की उनकी फ्लीट है, सारी टैक्सीज इलेक्ट्रिक टैक्सीज हैं, कई ऐसे सिटीज़ एंड स्टेट्स हैं जो आगे बढ़ चुके हैं। तो जब हमने सोचा कि नहीं, प्रदूषण के खिलाफ जो मुख्यमंत्री जी ने जंग छेड़ी है उसमें दिल्ली देश का नंबर वन इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल क्यों नहीं बन सकता, और इसके लिए हमने जब सोचना समझा कि चलिए इसमें एक पॉलिसी बनाते हैं, तो देश में कोई उदाहरण नहीं थे तो हमें देश के बाहर इसमें स्टडी करनी पड़ी। और इसलिए DDC का रोल, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ने ये पूरी एक्सरसाइज को इनिशिएट किया। हमने दुनिया भर से सीखा, कई सारे एग्जांपल्स हर कंट्री से सीखे और एक हमारी पॉलिसी लाई। अगर लोग सिंपल भाषा में समझना चाहें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों लेना चाहिए, तो आज की तारीख में मैं कहूँ कि अगर आपको 2-व्हीलर या कोई अगर बिजनेस कर रहा है उसे 3-व्हीलर गुड्स व्हीकल अगर ख़रीदना है तो एक्चुअली आपका इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। प्रदूषण तो बचता ही, आपका ये जीरो पोल्यूशन केवल आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे पा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक खासियत है कि उस व्हीकल में मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं, तो इसलिए आपका मेंटेनेंस कॉस्ट क्लोज टू जीरो हो जाता है। दूसरी चीज़, आप देखें अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कहाँ तक पहुँच गए हैं, अच्छा ये कम नहीं होने वाले, कभी भी पेट्रोल डीजल के प्राइस चलो 4-5 रुपये इधर उधर होते हैं लेकिन ओवर द टाइम बढ़ते ही जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस अगर आप देखें देश भर में और दुनिया भर में, सोलार एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सारे प्राइसेस कम होते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो रनिंग कॉस्ट का एडवांटेज है बहुत भारी हद तक है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, आज की तारीख में अगर कोई 2-व्हीलर अच्छा सा खरीदना चाहे 70-75 हज़ार का आता है, सेम टू सेम क्वालिटी का आज को आपको इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर आफ्टर सब्सिडी, क्योंकि दिल्ली सरकार कई तरह की सब्सिडी देती है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट फ्री है, रोड टैक्स फ्री है, ऊपर से हम सब्सिडी अमाउंट सीधे आपके खाते में डाल देते हैं एक हफ्ते के अंदर, ये साला मिलाकर भी आपको लाइक टू लाइक 2-व्हीलर 75 हज़ार में इलेक्ट्रिक भी मिल जाएगा। लेकिन रनिंग कॉस्ट का एडवांटेज देखिए, मान के चलिए कि आप अपने घर से 20 किलोमीटर आपके ऑफिस जाते हैं और वापस आते हैं तो आपका डेली का रन 40 किलोमीटर हो गया, 30 दिन आपने चलाया तो 1200 किलोमीटर का आपका रन हो गया। आज ओवरऑल अगर आप कॉस्ट डायनेमिक्स देखें तो आपको अपना 2-व्हीलर चलाने के लिए 2500 रुपये का पेट्रोल खर्च होगा हर महीने, कम से कम। सेम अगर आप 1200 किलोमीटर इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर चलाते हैं तो आपका खर्चा होता है 1000 रुपये, मतलब हर महीने आपकी 1500 रुपये की बचत हो रही है और पोल्यूशन तो ज़ीरो हो ही रहा है। तो मैं कई बार अपने दोस्तों को मजाक में कहता हूँ कि आप मूर्ख हो गए अगर आज की तारीख में अगर आप पेट्रोल 2-व्हीलर खरीद रहे हो, क्योंकि ना लोगों के मन में रहता है कि ये नई टेक्नोलॉजी है, क्या नहीं है, लेकिन
आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत आगे बढ़ गए हैं, मतलब दुनिया भर में बहुत ज़्यादा इसका अडॉप्शन हो रहा है। दिल्ली में खास करके हमने जो पॉलिसी लाई थी 2 साल पहले, उस टाइम से आज तक करीबन 60,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली वाले खरीद चुके हैं। क्या बात है, भारी भरकम हमें इसका रिस्पॉन्स मिला है। और इसमें सबसे लीडिंग कैटेगरी 2-व्हीलर्स की है। पहले ही हुआ करता था कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक रिक्शाज बहुत बेचे जाते थे और केवल इलेक्ट्रिक रिक्शा ही था जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम पे थे। आज आप देख रहे हैं हर जगह, आप देखो इलेक्ट्रिक बसेस दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स। आप कहीं भी ट्रैफिक सिग्नल में रुके तो आपको दिखेंगे कि इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स है, कहीं सारी इलेक्ट्रिक कार्स दिख जाएगी। तो ये काफ़ी मेच्योर टेक्नोलॉजी है। तो हम अभी तक मोटे तौर पर बात कर रहे हैं 2-व्हीलर्स और 3-व्हीलर्स की जी, लेकिन जब हम 4-व्हीलर की बात करें तो वो स्पेस 2-व्हीलर स्पेस है, क्योंकि 3-व्हीलर का कॉमर्शियल यूजर ज़्यादा है, आम यूजर्स लगभग ना के बराबर है। तो उसमें कितना डिफरेंस है 4-व्हीलर और 2-व्हीलर को कंपैरिजन करें, क्योंकि 4-व्हीलर काफ़ी महंगे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो आधा कॉस्ट होता है वो कॉस्ट ऑफ बैटरी होता है। अच्छा, है ना। और जितनी गाड़ी आपकी बड़ी होती जाती है तो बैटरी की साइज़ बड़ी होती जाती है। 2-व्हीलर और 3-व्हीलर क्योंकि लगभग दिन में 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलते हैं तो उनकी बैटरी छोटी होती है, और इसलिए इनका कॉस्ट डायनेमिक्स आज की तारीख में ठीक बैठता है। लेकिन अगर आप 4-व्हीलर की तरफ देखें या फिर बसेस की तरफ देखें तो इनमें बड़ी बैटरियां जाती है और इसलिए इसका कैपिटल कॉस्ट लगभग 50% ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी 10 लाख की अगर एक कार आती होगी तो ये 15 लाख की होती है। तो ये सेंस तब बनता है कि जब आपका रनिंग बहुत ज़्यादा हो, अगर आप हर दिन आपकी कार 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, जैसे दिल्ली सरकार की बसें 200 किलोमीटर चलती है हर दिन। अच्छा, तो भले इसका अपफ्रंट कॉस्ट आप 50% ज़्यादा दे रहे हो लेकिन आपकी रनिंग में ये आप सारा कॉस्ट कवर कर लेते हो। लगभग थंब रूल मैं आपको बताऊँ, 1/3 कॉस्ट होता है रनिंग कॉस्ट। तो अगर आप कहीं पर भी 5,000 रुपये का तेल में स्पेंड कर रहे हो तो यहाँ पर 1,500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है। तो आपकी बचत हमेशा आप कैलकुलेट कर सकते, हर दिन हर महीने आप अपना पैसा बचा रहे हो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो। ठीक है, सेफ्टी के बारे में बात करें तो पीछे कई बार सुनने में आया कि 2-व्हीलर ने आग पकड़ ली, ऐसा क्या है, लोगों के मन में खौफ रहा खासतौर से 2-व्हीलर को लेके, किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। क्या 2-व्हीलर एक रिस्क भी है, और है तो वो क्या रीज़न होता है कि जिसकी वजह से आग पकड़ता है, बिकॉज आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो। नहीं बिल्कुल, मैं समझना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल, देखिए अब हुआ क्या है कि ये नई टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियसली नए नए मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं इस बिज़नेस में। और मैं जो समझ रहा हूँ कि आज की तारीख में जो हमारी ओवरऑल सेफ्टी रेगुलेशंस है वो भी इतनी मेच्योर नहीं है, अभी भी इवॉल्व हो रही है। टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, जब नया मैन्युफैक्चर नया मॉडल आता है मार्केट में तो इसकी टेस्टिंग होती है, फिर सर्टिफिकेशन मिलता है। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स अभी आए हैं, मेरे ख्याल से अच्छा हुआ कि जल्दी आ गए, क्योंकि इसको पूरे इकोसिस्टम ने इसको मतलब संज्ञान लिया है। और मैं मानता हूं कि कोई भी आज की तारीख में अगर ख़रीदना चाहे इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर या 3-व्हीलर, कुछ 4-व्हीलर भी, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप ज़रूर रिसर्च कीजिए कि इस व्हीकल में, इस मॉडल में क्या कोई इशू आया है पिछले 1 साल में। सिंपल चीज़ है ना, आप कोई बड़ा सा अप्लायंस भी खरीदते हो, टीवी, इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ लाइक एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, आप इतना ही सोचिए। मिक्सर ग्राइंडर भी खरीदते हो, रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, थोड़ी रिसर्च करते हो ना कि क्या एक्सपीरियंस रहा है कंज्यूमर्स का, बस आप उस लेवल तक का कीजिए। कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी है नहीं ये, वैसे दुनिया भर में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बिंग सोल्ड एवरी ईयर। तो बस आई थिंक उस बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से उसमें डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो जब हम ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हैं तो मेरे माइंड में ये भी ख्याल आ रहा था कि क्योंकि दिल्ली NCR में हम खड़े हैं, दिल्ली NCR की हम बात करें तो यहाँ पे खासा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गाड़ियों की जो एज है, डीजल गाड़ियों की 10 साल और पेट्रोल CNG गाड़ियों की 15 साल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ ऐसा कोई एज का बात नहीं? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट देखिए एज की बात इसलिए होती है क्योंकि ओवर टाइम इंजन का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है और इसलिए इंजन से धुआं ज़्यादा निकलता है, दैट इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर तो इंजन ही नहीं है, जैसे आपकी स्मार्टफोन की बैटरी है, बैटरी से आपका फ़ोन चलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी है, बैटरी से पहिए चलते हैं। तो क्या इसके ऊपर कोई बात हुई है या कभी कोई रिसर्च हुई है या कहीं कोई कंपनी कहती है कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं, मान लीजिए आप अपर सेगमेंट में जाएँ या एक एवरेज सेगमेंट में जाएँ, टाटा ने काफ़ी गाड़ियाँ निकाली हैं, MG ने गाड़ियाँ निकाली हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे नॉर्मल गाड़ियों की एज 15 साल है, इस गाड़ी की एज हम 20 साल या 25 साल मान सकते हैं? एक्चुअली आज की तारीख में कोई मैन्युफैक्चरर आपको ये नहीं कहेगा कि अपर लिमिट क्या है, क्योंकि पूरी आपके मेंटेनेंस के ऊपर। आप देखेंगे अभी भी विंटेज कार्स हैं, 40-40 साल से चल रही है, उनको तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज़ नो एज, एज होती है बैटरी की, क्योंकि ये नॉर्मली लिथियम आयन बैटरीज होती हैं
और जैसे फ़ोन होता है, आप देखिए 2-3 साल बाद उसकी चार्जिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो टिपिकली आज की तारीख में जो अच्छे व्हीकल्स मिलते हैं उसकी 8 साल की गारंटी होती है बैटरी की। तो 8 साल बाद अगर आपको उसी परफॉर्मेंस से गाड़ी चलानी है तो आपको बैटरी बदलनी होगी, वो मिल जाएगी बदल। हाँ हाँ बिल्कुल, मैन्युफैक्चरर को कमिट करना पड़ता है कि वो बैटरी रिप्लेस करेगा, तभी उसे सेल करने की अनुमति दी जाती है। और जितनी भी कंपनियां इस क्षेत्र में हैं, क्या स्पेयर पार्ट्स की कोई समस्या? अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया है। मैं फिर भी कहूँगा किसी से भी कि आप ज़रूर रिसर्च कीजिए, और जो मैन्युफैक्चरर्स जो रेप्यूटेड हैं, जो जिनका तजुर्बा रहा है इंडियन मार्केट में 10 साल 20 साल 40 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ जाइए। ऑब्वियसली उन्होंने रिसर्च करा है, उन्होंने सोच समझ के, और कई बार इन्होंने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करके ये व्हीकल्स लाए हैं देश में, तो इसका स्वागत करना चाहिए। मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो अभी पेट्रोल गाड़ी छोड़कर इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप ये बता पाएंगे कि जैसे अभी कुछ ही मॉडल हैं बाज़ार में, क्योंकि हम सरकार में बैठे हैं तो हमारे को शायद आम जनता से ज़्यादा जानकारी भी हो सकती है, क्योंकि आप कंपनी से बात करते रहे होंगे, नए मॉडल्स डेवलप हो रहे होंगे, उसका संज्ञान होगा, कुछ रिसर्चर से आपकी बात होती रही होगी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ नए मॉडल आने वाले हैं दिल्ली में? अगर आप टू व्हीलर्स देख लें, लगभग आपको 40 मॉडल मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। अगर आप थ्री व्हीलर्स देख लें तो आपको 10-15 मॉडल मिलेंगे 3-4 मैन्युफैक्चरर्स के। हर 3-4 महीने आप देखेंगे ढेरों सारे नए मॉडल निकल रहे हैं। फोर व्हीलर्स में भी बहुत सारे मॉडल निकल रहे हैं। अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही सुना कि महिंद्रा 5 और गाड़ियां ला रही है फोर व्हीलर्स में। अच्छा। तो हर साल आप मान के चलिए कि ये मार्केट एक्सपैंड होने वाला है। इनफैक्ट जब आप, मैं एक अच्छा किस्सा बता दूँ आपको, कि इससे पहले हम जानते थे कि दिल्ली में केवल CNG बसेस रन किया करते थे। CNG बस के मैन्युफैक्चरर्स देश भर में केवल 2 हैं। अच्छा। तो दिल्ली सरकार को भी जब खरीदना पड़ता था तो बहुत ही एक छोटा सा मार्केट था, है ना, तो जो वो प्राइसेस सेट करते थे उस पर हमें लेना पड़ता था। इलेक्ट्रिक बस में 6 मैन्युफैक्चरर्स हैं आज की तारीख में, और ये 6 एक साल में 10 हो जाएंगे, फिर 15 हो जाएंगे, तो ये एक मशरूमिंग मार्केट है। देखिए, दुनिया भर में आज ये जानकारी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर, तो जो लोग यहाँ पे पहले पहुँच गए अच्छी बात है, वरना कल तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने ही हैं। तो पॉलिसी पे उतरें, उससे पहले एक आखिरी सवाल जो जनता के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपने व्हीकल तो ले लिया, चार्जिंग कितनी अवेलेबल करा पाएंगे? और यदि दिल्ली में आप करा भी देंगे, जैसे हम कहते रहे हैं कि हम 500 स्टेशन शायद तैयार करने वाले हैं या करने की बीच में है, बाकी शहरों का क्या, खासतौर से NCR का क्या स्टेटस है? और यदि गाड़ी, जैसे मैं जानता हूँ कि कुछ मॉडल ऐसे भी हैं जो 400 किलोमीटर के आसपास भी जाने की बात करते हैं, तो यदि आप एक इंटरस्टेट ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट चार्जर कहाँ मिलेगा, इसका कोई एश्योरेंस है? और वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद आपको कितनी देर वेटिंग करनी पड़ेगी, और क्या वेट के अंदर आपकी फैमिली यदि गाड़ी के अंदर है तो वो बैठी रह सकती है या वो उतरेगी? कई बार बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई इन्फेंट उसमें है, तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल मन में आता है, तो उसके बारे में कुछ आपके पास समाधान है? मैं पहले आपको बधाई दूंगा, आपने अच्छी रिसर्च कर रखी है। ये सारे सवाल बहुत ही प्राइम सवाल सब लोगों के मन में होते हैं कि मेरी चार्जिंग कहाँ होगी। इनफैक्ट जब हमने रिसर्च करी अपनी पॉलिसी के बारे में, तो हमने लोगों से सर्वे किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप क्यों नहीं खरीदते हैं। नंबर वन पहला सवाल, पहला पॉइंट ये भी नहीं था कि नहीं चलो थोड़े महंगे होते हैं, तब थोड़े महंगे थे, अभी अपनी पॉलिसी के बाद जैसे मैंने कहा कि लगभग टू व्हीलर्स के सेम दाम है। नंबर वन पॉइंट वॉज चार्जिंग कैसे होगी। तो ये बड़ा सवाल है कि चार्जिंग कैसे होगी। पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोबल एक्सपीरियंस रहा है और इंडिया में भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि 90% चार्जिंग आपकी या तो घर पे होती है या तो आपकी ऑफिस पे होती है। चार्जिंग कब होती है? जब गाड़ी स्टेशनरी होती है, है ना। इट इज़ नॉट लाइक अ पेट्रोल स्टेशन कि आप गए 2 मिनट में चार्जिंग कर दी और आपने आगे खिसका दी। तो 90% चार्जिंग हैपन्स एट होम और एट ऑफिस प्लेस। तो जो पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स का सवाल है वो केवल 5-10%, जब आपको लगता है कि नहीं आपको कहीं जाना है और आपकी बैटरी कम हो गई तो आपको रोक के आपकी चार्जिंग करनी पड़ी। फिर भी दिल्ली सरकार ने सोचा कि हम दिल्ली को देश का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक बेंचमार्क बनाएंगे। और मुझे आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 2 सालों में जब से हमारी पॉलिसी, जब पॉलिसी आई थी करीबन 100 चार्जिंग पॉइंट कुछ लगे हुए थे, आज 2300 चार्जिंग पॉइंट्स दिल्ली में अवेलेबल हैं। अच्छा। एक्टिवली अवेलेबल हैं। 2300 किसी को सिर्फ दिल्ली में, केवल और केवल दिल्ली। कितने स्पैन में बना? पिछले 2 सालों में लगा है। पिछले 2 सालों में 2300 लग गए हैं, जिसमें से कई सारे स्लो चार्जिंग पॉइंट्स। देखिए, इसमें मल्टीपल टाइप्स होते हैं। स्लो चार्जिंग पॉइंट्स ये होते हैं जो नॉर्मल 16 एम्पियर सॉकेट से लगते हैं, इससे धीरे टाइम लगता है, बट ये टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर सब पे लागू होता है।
फिर फास्ट चार्जर्स होते हैं, कुछ बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जो 50 किलोवाट, जैसे ये बसेस 50 किलोवाट के चार्जर लेते हैं, तो ये हैवी ड्यूटी चार्जर्स कहा जाते हैं, महंगे भी होते हैं और इसे जल्दी चार्जिंग होती है। लेकिन इसमें छोटे व्हीकल जैसे टू व्हीलर थ्री व्हीलर नहीं होते, ये केवल फोर व्हीलर्स के लिए होती है। और फिर एक तीसरी प्रकार की चार्जिंग होती है जो बैटरी स्वैपिंग होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि रिसर्चर्स ने भी सोचा कि लोगों के पास टाइम नहीं होगा, चलो अगर आपको 10% के टाइम पे भी अगर आपको पब्लिक चार्जिंग करानी है तो मैं क्यों 1 या 2 घंटा अपनी व्हीकल में वेट करूं। तो जो छोटे वाहन है खास और टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए ये एक नई टेक्नोलॉजी आई कि आपकी बैटरी जो है डिस्चार्ज बैटरी, आप बैटरी को पेट्रोल की तरह समझिए कि आपकी अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई मतलब आपकी टांकी खाली है, तो आप एक चार्जिंग स्टेशन गए वहाँ पे नई चार्ज बैटरीज डाल देंगे वो लोग और पुरानी बैटरीज वो लोग ले लेंगे। टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर सब में अवेलेबल? फोर व्हीलर में नहीं अवेलेबल है, ये छोटे वाहनों के लिए, क्योंकि बैटरी वहाँ पे लाइट, टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के लिए ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। एंड क्या कोई आम आदमी जाके अपना मतलब वो नहीं वहाँ पे खुद ही बदल सकता? नहीं कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आगे जाके ये सेल्फ सर्व मॉडल भी आ जाएगा। इट इज़ लाइक एन ATM kiosk, बहुत ही आसान होता है, लेकिन अभी ज़्यादातर उनके यहाँ सर्विस स्टेशन के स्टाफ होते हैं, वो आपको करके देते हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं, इलेक्ट्रिक ऑटोज़ हैं, टू व्हीलर्स हैं, ये सारे व्हीकल्स हैं। सो अगर आप आज की तारीख में दिल्ली में हैं तो आपको कभी भी ये सोचने की मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स हर जगह पे मिल जाएंगे। फास्ट चार्जर्स थोड़े कम हैं, स्लो चार्जर्स हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, बल्कि दिल्ली सरकार कुछ ही दिनों में एक ऐप लॉन्च करने वाली है, वन दिल्ली ऐप, जहाँ पे आप ये सारे 2300 चार्जर्स देख पाएंगे मैप के ऊपर, और आपके पास सबसे क्लोजेस्ट कौन सा चार्जर है और वहाँ पे वो चार्जर अवेलेबल है या कोई ऑलरेडी गाड़ी लगी हुई है, सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। तो हमने ये पूरा टेक्नोलॉजी एनेबल कर रखा है। आपका सवाल सही है कि NCR में जब आप जाएँ और ख़ास करके लॉन्ग डिस्टेंसेज जाएँ, तो अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बन रहा है। मैं दुख की बात है थोड़ी कि जिस सीरियसनेस से दिल्ली ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है, सराउंडिंग स्टेट्स ने इतनी अग्रेसिवली नहीं किया है। तो अगर आज हम कह पा रहे हैं कि दिल्ली केवल में 2300 चार्जर हैं, तो हो सकता है कि नोएडा या गुड़गांव वगैरह में 200-400 के करीब चार्जर्स हों। मेरे ख्याल से ये बढ़ेंगे आने वाले दिनों में, और जो बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें 300-400 किलोमीटर की रेंज है, वहां तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी जाइए, रात को रुकिए, वहां पे चार्जिंग पे लगा दीजिए। तो दुनिया भर में ऐसे ही चार्जर्स मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं। ठीक है, तो क्या यदि दिल्ली से पंजाब जाना है या दिल्ली से शिमला जाना है और चंडीगढ़ होते हुए हम निकल रहे हैं, बीच में पानीपत अम्बाला वगैरह आएगा, तो तकरीबन 150 किलोमीटर की जो गाड़ी की स्ट्रेंथ रहती है, उसके बाद हम ये मान सकते हैं कि पंजाब में एंट्री के साथ ही आपको मेरे ख्याल से चार्जिंग पॉइंट्स मिलते जाएंगे? मेरे ख्याल से ये रिसर्च आप कर लें तो बेटर है कि अगर आपको इस रूट पर जाना है तो इस रूट पर, और है पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। नॉर्मली ये होता है कि अगर आप कार्स में जाते हो तो आपके जो कार की कंपनी है उसी ने बड़े बड़े हाईवेज़ पे लगा रखे हैं, okay. है ना? तो आज मैं इतनी कॉन्फिडेंस से नहीं कह पाऊँगा कि किसी भी रूट पे आप चले जाइए आपको चार्जर मिल जाएंगे। नॉर्मली कुछ दोस्तों ने मेरे ऐसी बड़ी 400-500 किलोमीटर की ट्रिप प्लान करी है, लेकिन पहले से प्लान करके गए कि देखो 200 किलोमीटर की दूर एक यहाँ पे मुझे फास्ट चार्जर मिलेगा, वहाँ पे मैं कॉफ़ी पीऊँगा, एक घंटे के अंदर शानदार चार्ज हो जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि पंजाब सरकार इसके ऊपर क्या एग्रेसिवली काम करने के लिए तैयार? पंजाब सरकार इस पर जो मैंने सुना है बहुत अग्रेसिवली इसे टेकअप कर रही है। पंजाब की एक ड्राफ्ट EV पॉलिसी भी तैयार हो गई है, एंड कुछ ही उम्मीद है कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में इसे लागू कर दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि DDC बहुत सारे विषयों पर बहुत अग्रेसिवली काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी चेंजेस पॉसिबल को हम कंटिन्यू करते जाएं, तो हर महीने मुझे आपका एक इंटरव्यू जरूर लेना पड़ेगा। आपका हमेशा स्वागत है। EV पॉलिसी एक ऐसी नहीं है जिस पर DDC काम कर रहा है, हाँ। तमाम ऐसी सोलार पॉलिसी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं आप वाइस चेयरपर्सन होते हुए और चेयरपर्सन मुख्यमंत्री जी होते हुए, कि आप सिर्फ दिल्ली को नहीं देश को एक ऐसी दिशा दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार आप मुझे इसकी सैर करा दें, ताकि और हम जो विषय आगे पॉलिसी रिलेटेड है वो बस में बैठ के बात करें। बहुत बढ़िया। बहुत गुड। तो ये हमारी नई बसें हैं। बिल्कुल। तो ऐसी कितने बसेस दिल्ली में चल रही हैं अभी? अभी करंटली 152 बसेस ऑलरेडी हैं दिल्ली में ऐसी जो चल रही हैं, और 150 और बसेस सितंबर एंड तक आ जाएंगी, तो करीबन 300 बसेस हमारी ऑलरेडी प्लान्ड है सितंबर तक।
और दिसंबर से हमारा जो नेक्स्ट ऑर्डर है 1500 बसेस का, उसको करीबन 6 से 8 महीने लगेंगे, लेकिन वो दिसंबर 2022 से आना शुरू हो गई. तो करीबन 1800 बसेस का ऐसा टारगेट ऑलरेडी प्लान्ड है और ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं. एक क्रिटिसिज्म मैंने पढ़ा था ईवी के बारे में पढ़ते हुए, कि ये कहा जाता है कि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई वो तो कोल से बनाई, तो इससे पॉल्यूशन कहाँ कम हुआ, या पॉल्यूशन जो कम हुआ वो नाम मात्र का कम हुआ. हालांकि इसके अगेंस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो ताकत सरकार लगा रही है वो गैर ज़रूरी है. इस पर क्या कहेंगे आप? ये नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कई बार लोगों के मन में आता है कि इसमें वाकई क्या प्रदूषण कम होता है. तो देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो समझने लायक. पहली तो जो पॉल्यूशन शहरों में हो रहा है, लगभग जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो शहरों में नहीं बनती, यू नो, पावर प्लांट्स दूर होते हैं. और अगर आप लास्ट माइल जो ट्रांसपोर्ट होता है शहरों के अंदर, वहाँ अगर आप 0% पोल्यूशन कर पाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आबादी शहरों में रह रही है, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे एटलीस्ट प्रदूषण कम होगा, हेल्थ बेनिफिट आपको तुरंत मिलता है. दूसरा पॉइंट इसमें ये जानने लायक है कि आज की तारीख में भी अगर आप इंडिया का पावर सेक्टर देखें, तो करीबन 30% अपना क्लीन पावर है, जिसमें हाइड्रो है, सोलार है, विंड है, ये सारी. 70% अभी भी कोल या पल्यूटिंग पावर जो हम बोलते हैं वो है. लेकिन इस दिशा में भी सारी सरकारें काम कर रही है. एट इंडिया लेवल हमारे बड़े टारगेट से दिल्ली ने सोलार को बहुत बड़े रूप में अपनाने की पूरी प्लान बना रखा है. तो क्या कुछ नंबर्स DDC ने तैयार किए हैं, इकट्ठे किए हैं, जिससे हम ये कह सकें कि मान लीजिए दिल्ली जैसा आप चाहते हैं एक ईवी सिटी बन जाता है, तो कितना पॉल्यूशन हम कर पाएँ, कम कर पाएंगे, और फिलहाल कितना पॉल्यूशन कम हुआ है? देखिए, हमारी टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 2 साल हो गए हैं, और आज हम ये क्लेम भी करते हैं कि दिल्ली देश का ईवी कैपिटल बन चुका है. हम किस आधार पर क्लेम करते हैं? पहला तो जब हम ईवी पॉलिसी लाए थे, तब हमने कहा था कि हमारा टारगेट है, हम पहले ऐसे राज्य थे जिसने टारगेट डाला कि नहीं, टोटल जो नए वाहन बिक रहे हैं, न्यू व्हीकल सेल्स का 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे. ये हमारी पॉलिसी का टारगेट है. नॉर्मली आप ये टारगेट रखते हो तो सोचते हो, थोड़े हिचकिचाते हो कि हम फेल तो ना हो जाए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, हमें एक फर्म टारगेट देना है, हमें एक दिशा देनी है देश को. आज हमारे 2 साल हो गए, ये टारगेट 2024 का है, तो 4 साल का टारगेट हमने रखा था, 2 साल ख़त्म हो चुके हैं. मुझे आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि हम 12.5% शहर तक पहुँच गए हैं. 12.5% ऑफ ऑल न्यू व्हीकल सेल्स इन दिल्ली आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जो देश भर में डबल से ज़्यादा है. देश भर की अगर इंडिया की बात करें तो ओनली 3% व्हीकल्स आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. जो बड़े मेट्रो सिटीज़ की अगर आप बात करो, बैंगलोर है, चेन्नई है, बॉम्बे है, तो वहाँ पे 5 से 6% से ज़्यादा नहीं हो पाया. दिल्ली में 12-12.5% है. तो 12.5% आज की जो हम करंट सेल की बात कर रहे हैं, करंट सेल की बात जो हम 6% से कंपैरिजन कर रहे हैं, वो भी करंट सेल है. करंट सेल है. हर महीने जितने अगर 100 वाहन बिक रहे हैं, तो इसमें से दिल्ली में 12 बिक रहे हैं, और लेकिन बाकी सारे शहरों में 5 या 6 से ज़्यादा नहीं बिक रहे हैं. बाकी सिटीज से डबल परफॉर्म कर रहे हैं. डबल परफॉर्म कर रहे हैं. हम जो परसेंटेज ले रहे हैं वो सिटीज की, मेट्रो सिटीज की बात कर रहे हैं, पूरे स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं. नहीं, मैं सिटीज की बात कर रहा हूँ. ऑल इंडिया की अगर बात करें या स्टेट्स की बात करें, तो एवरेज 3% होता है. ठीक है. दूसरा जो क्या मापदंड है, कि हमने कहा था कि नहीं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम मजबूत करेंगे. तब हमने एक गोल रखा था कि हम चाहते हैं कि हर 3 किलोमीटर की दूरी में एक चार्जिंग पॉइंट आपको मिले. आज मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2 साल के अंदर, भले हमारा टारगेट था 3 साल का, 2 साल के अंदर हम ये टारगेट ऑलरेडी मीट कर चुके हैं. 2300 चार्जिंग पॉइंट्स आज दिल्ली में लाइव हैं, एक्टिव हैं, और 1000 चार्जिंग पॉइंट्स अगले 3 से 4 महीने में लग रहे हैं. अब हमने और बड़ा टारगेट रखा है कि क्योंकि वाहन की बिक्री बढ़ रही है, तो केवल 3 किलोमीटर दूर चार्जिंग पॉइंट का होना काफ़ी नहीं है. आपके पास सफिशेंट नंबर्स में चार्जर होने चाहिए, सो दैट आप जब जाओ तो आपको वेट ना करना पड़े. तो हमने एक टारगेट बनाया है, और अभी अगस्त के महीने में हमने ये लॉन्च किया है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्शन प्लान, जहाँ कहा है कि हर 15 वाहनों पे हम एक पब्लिक चार्जिंग पॉइंट लाएंगे, जो दुनिया भर की बेंचमार्क के अनुसार है. तो ये तमाम कामों में एक हिसाब से दिल्ली देश के लिए उदाहरण बनती जा रही है. पॉल्यूशन पे आते हैं, आपने कहा कि इससे पॉल्यूशन का कैसे कितना कम हुआ. देखिए, जब हम ईवी पॉलिसी लाए थे, मैंने आपको कहा था कि हमारा जो पूरा फोकस था वो पॉल्यूशन को रोकना था. हमारा ये नहीं फोकस था कि नहीं,
दुनिया भर की कंपनियां आएं यहां पे मैन्युफैक्चर करें, भले गाड़ियां कहीं पे भी बिक रही हो लेकिन आप मैन्युफैक्चर करो। नहीं, हमने कहा था कि हमें यहां की सेल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स बढ़ानी है सो दैट पोल्यूशन कम हो। तब हमने देखा कि व्हीकल्स का जो पोल्यूशन प्रोफाइल है वो किन सेगमेंट से ज़्यादा पोल्यूशन आता है, तो लगता है कि नहीं बड़े वाहनों से ज़्यादा आता होगा, कार से ज़्यादा आता होगा। लेकिन अगर दिल्ली में 1 करोड़ वाहन है तो उसमें 70% केवल 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का है, 75% 75% व्हीकल्स, टू थर्ड से भी ज़्यादा, 75% सो 75% मतलब 75 लाख, 1 करोड़ के 75 लाख केवल 2 और 3 व्हीलर्स है दिल्ली में। तो इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इनका बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और इसलिए हमने जो हमारी पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ओरिएंटेशन रखा वो बड़े व्हीकल्स या बहुत महंगे महंगे व्हीकल्स पे सब्सिडी देने का नहीं रखा था। हमने कहा कि नहीं, जो छोटे वाहन हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं वहाँ पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, और दूसरा अगर हम उनको बेनिफिट करा पाएँ, मैंने आपको कहा कि इसका रनिंग कॉस्ट 1 तिहाई होता है तो उनकी जेब पर भी उनका खर्च कम होगा। तो यही दृष्टि से हमने अपनी पॉलिसी बनाई थी, और आज की तारीख में हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम इम्पैक्ट जो दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रही है वो 2 और 3 व्हीलर में ला रही है। तो आप मान के चलिए कि अगर जितना पोल्यूशन व्हीकल से हो रहा है और इसका 3/4 75% अगर 2 और 3 व्हीलर्स का है, हमारी उम्मीद है कि 5 नहीं तो 10 साल के अंदर हम ये सेक्टर को पूरी तरह से मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो 2030 तक हो सकता है कि 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स सारे जो भी आपको दिल्ली में दिखे वो केवल इलेक्ट्रिक दिखे, और ये हमारा बड़ा विषय। बहुत बड़ी बात है, बहुत एस्पिरेशनल गोल रखा है आपने अपने लिए, सबके लिए। क्या ये एनवायरमेंटली सेफ है लिथियम बैटरी? देखिए, मैं कहूँगा कि पहले लेड एसिड बैटरी हुआ करती थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो भारी हद तक अनसेफ थी। उसके डिस्पोजल के तरीके नहीं थे, उसका जो एसिड होता था वो कैसे होता था आप सब जानते हैं। लिथियम आयन बैटरीज आर कॉल्ड एडवांस बैटरीज, और ये काफ़ी हद तक दे आर सेफर आई वुड से। फिर भी उसको आपको एनवायरमेंटली डिस्पोज करने के तौर तरीके होते हैं, और टेक्नोलॉजीज आज एग्जिस्ट करती है दुनिया भर में कि जहाँ पे आप इसको सेफली, आपको केवल डिस्पोज नहीं, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, उसके जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं उसको आप निकाल सकते हो और उसको वापस नई बैटरीज में लगा सकते हो। धीरे धीरे क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री टेक ऑफ करना शुरू करी और ख़ास करके दिल्ली जैसे शहरों में, तो अब हम ये देख रहे हैं कि नहीं, ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री भी धीरे धीरे बनती जा रही है। एज अ गवर्नमेंट वी आर पुशिंग इट, हमारी पॉलिसी में हमने खास करके ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पे एक भारी फोकस भी दिया है। इसमें हम स्किलिंग भी करवाएंगे लोगों की, और जो कंपनीज हैं उनको भी हम बेनिफिट देंगे कि आप आए और दिल्ली में खास करके जितने भी लिथियम आयन बैटरीज या एडवांस बैटरीज बन रही है उसकी आप सेफ, एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग और डिस्पोजल कर सको। बिल्कुल ठीक है। जैसमिन, हमने जब अनकही अनफिल्टर्ड की फर्स्ट सीरीज में आप कंट्रीब्यूट किया था, आपने बताया था कि आप बहुत सारी कैंपेन्स का हिस्सा रहे हैं, आप IIT से पढ़ने के बाद आपका हमेशा से गोल रहा कि आप पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन पे ऊपर काम करना चाहते थे। आज जब आप सरकार के अंदर हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के ऊपर काम कर रहे हैं, DDC ने बहुत सारे गोल्स अचीव किए हैं, और जिस तरह से अभी हम बात करते हुए समझ रहे हैं कि DDC काफ़ी इंस्पायरिंग तरीके से काम कर रहा है, क्या बदलाव लगता है उस समय में अब में, और कैसे देखते हैं आप इस ट्रांजिशन को? देखिए, ये बड़ा एक इट्स बीन अ वेरी गुड जर्नी, मेमोरेबल जर्नी मैं फ्रेंकली कहूँ, क्योंकि हमेशा बाहर से लगता है कि सरकार के अंदर नहीं पता नहीं कैसे होता होगा। ऑब्वियसली हम समझते हैं कि हमारे पास विजनरी लीडरशिप है, लेकिन सरकार इवेंचुअली सरकार होती है, सरकार में हज़ारों ब्यूरोक्रेसी होती है, अपने तौर तरीके होते हैं काम करने की। तो जब हम, मैं केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का उदाहरण ना हो कि हमें लगभग 6 महीने लगे थे, हमने पॉलिसी भी जब बनाई थी तो हमें पता था कि हमें एक बहुत लंबा गोल सेट करना है कि अगर दिल्ली और अगर हम देश को दिखा पाएँ, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में आज हमारा क्या मैसेज है देश और दुनिया को कि चेंज इज़ पॉसिबल। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं, सरकारें कुछ अच्छा कर सकती है, सरकारें कुछ वर्ल्ड क्लास कर सकती है। ये था कि चलो आप सड़कें बना लो, आप ना नालियाँ बना लो, आपसे इतना ही हो पाएगा। लेकिन हमने दिखा दिया कि नहीं, हम शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। पॉल्यूशन एक ऐसा मुद्दा है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, सबको चिंता है कि आने वाले जो जनरेशन है वो कैसी हवा ब्रीथ करेंगे।
तो जब हमें ये मौका मिला कि चलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लानी है, तो हमने उस स्टेज का सोचा कि हमारा कंपैरिजन यहाँ पे कहीं ना हो, लेकिन जब कुछ साल बाद जब दिल्ली की डिस्कशन होगा तो ये दुनिया भर के टॉप एग्जांपल्स में गिना जाए. तो उसी दृष्टि से हमने काम शुरू किया. शुरुआत में बड़ी दिक्कतें आई. मैं आपको कहूँ तो सरकार के अंदर ये भी टाइम लगा समझने में कि नहीं किलोवाट आर का मतलब क्या होता है. जब आप बैटरी की कहीं इसमें टेक्नोलॉजी टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो नई चीज़ें हैं. तो हमने पेशेंटली सबके साथ टाइम स्पेंड किया. डीडीसी को खुद ये नॉलेज आते कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, हमने कई महीने इस पर रिसर्च किया. लेकिन धीरे 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 करके हमने देखा कि तमाम एनर्जीज अलाइन हो गई. जब उनको पता चला कि नहीं दिल्ली कुछ अलग सा कुछ नया करने जा रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू से कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, पावर डिपार्टमेंट हो, दिल्ली मेट्रो हो, कई सारे हमारे जो नए चार्जिंग स्टेशन हैं वो दिल्ली मेट्रो में आ रहे हैं. जब उन्होंने सुना तो उन्हें लगा कि नहीं, ये एक बड़ा बदलाव है दिल्ली के लिए और हम इसमें पीछे नहीं रहना चाहते. तो जिस हिसाब से हमें सबका समर्थन मिला, इट इज़ अमेजिंग. एंड वो विश्वास हमेशा बना रहा है कि नहीं, चेंज इज़ पॉसिबल. आसान नहीं होता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, बट जब आप कुछ अच्छा करने चाहते हो तो कोई ना कोई आगे आके आपको सपोर्ट ज़रूर करता है. बहुत शानदार. तो आज के इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हुए, पर मैं आपसे वादा लेना चाहूँगा कि कुछ ही एपिसोड्स के बाद, शायद 3 से 4 एपिसोड के बाद मैं वापस आपके पास आऊँगा और आप तब तक सोचिए कि कौन सी अगली स्कीम के ऊपर आप बात करने जाते हैं. मेरे लिए पॉलिसी पे बोलना मेरे दिन का काम है. तो मैं जब तक आपके दर्शक बोर ना हो तो आपको तय करना है, क्योंकि आप मुझे बात कराते रहिए पॉलिसीज़ की. सोलर पॉलिसी पे बात कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें जो DDC कर रही है, दिल्ली सरकार कर रही है, हम बात कर सकते हैं. और मैं बड़ी खुशी से, मेरा इट बी माई प्लेजर टू टॉक टू यू. थैंक यू सो मच जैस्मिन. और एक मैं चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे दर्शक, जिसमें बहुत ऐसे लोग होंगे जो युवा होंगे, जो चाहते हैं पॉलिसी के ऊपर काम करना, जो चाहते हैं DDC को फॉलो करना, चाहते हैं आप तक पहुँचना, आप तक अपनी बात पहुँचाना, इन सारे चीज़ों के लिए क्या कोई ज़रिया है आप तक पहुँचने का? क्या आपको ट्विटर पर DM किया जा सकता है या कोई ईमेल आईडी आप शेयर करना चाहें? नहीं, सारी चीज़ें मैं बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हूँ. मेरे ख्याल से आपको एक कभी शिकायत नहीं सुनने को मिली होगी. ट्विटर पे आप DM भी कर सकते हैं. मेरा जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वो मैं खुद पढ़ता हूँ. कई सैकड़ों ईमेल्स भी आती हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ. इट इज़ vcddc.delhi@gov.in. ये DDC के वेबसाइट पे आप चले जाइए तो मेरा ईमेल एड्रेस, वहाँ का फ़ोन नंबर, सारा कुछ मिल जाएगा. तो हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग, दुनिया भर के लोग, देश भर के लोग, क्योंकि दिल्ली देश का कैपिटल है, उनके अगर कुछ भी आइडियाज़ हों, हम नहीं कहते कि हम सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे बेहतरीन होना चाहते हैं. तो आप सबके आइडियाज़ वेलकम हैं और हम ज़रूर आपसे बात करेंगे. जो भी चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं करेंगे. हमेशा की तरह आपसे मिलके मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है. एक बड़े भाई की तरह हमेशा आप मेंटर भी करते हैं और आपकी हर सब्जेक्ट को डील करने के लिए जो डेप्थ है और जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है. थैंक्स अगेन जैस्मिन, नॉट एट ऑल, पार्ट ऑफ दिस एपिसोड. माय प्लेजर. थैंक यू.